नवंबर की आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताया जा रहा है ड्रेनेज में लेक के बारे में और पानी की उपस्थिति के बारे में। अब तक आपने हिमालयन रिवर्स ड्रेनेज पैटर्न, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में देखा है। आज आपको पूरी विश्व में पानी की क्या उपस्थिति है और नदियों के साथ साथ झील का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरी धरती का 71% जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह पानी से आच्छादित है। केवल 29% भाग पर ही स्थल पाया जाता है, यानी पहाड़, पठार और मैदान पाए जाते हैं। इस 71% में से 97% जो हैं, वह समुद्रों में पाए जाते हैं। 2% का जो एरिया है वह पोलर रीजन्स में पाया जाता है और 1% जो है रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स आदि में पाए जाते हैं। इस तरह लेक जो है वह एक जल वाला भाग होता है, जल वाला हिस्सा होता है, यानी जल का वैसा भाग जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ होता है। उसका आकार बड़ा होता है, जो पॉन्ड से आकार में बड़ा होता है उससे नदियां भी निकल सकती है या उसमें नदियां गिर भी सकती हैं। तो ऐसे चारों ओर से लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज को झील के नाम से जाना जाता है। बनावट के आधार पर झील दो प्रकार की हो सकती हैं, एक नेचुरल लेक और दूसरा आर्टिफिशियल लेक। जैसे भारतवर्ष में अगर उलर की चर्चा करें, सांभर की चर्चा करें, कोलेरू की चर्चा करें, लैगून की चर्चा करें, तो हम यह पाते हैं कि ये सारे के सारे प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये नेचुरल लेक हैं। वहीं दूसरी ओर नदियों के जल को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर जैसे झील बनाए गए हैं और यह झील नदियों के जल को रोकने के लिए मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक के नाम से जाना जाता है। लवणता के आधार पर अगर हम झील को बांटे तो झील दो प्रकार की होती है, फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक, यानी वैसी झील जिससे नदी निकलती है, जिसके जल में लवण की मात्रा कम होती है, जिसका जल मीठा होता है, उसे फ्रेश वाटर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर वैसी नदी जो झील में जाकर गिरती है, झील जिनमें नदियां आकर के गिरती है या समुद्र के पानी से बनी हुई झील है, ऐसी झील को साल्ट वाटर लेक के नाम से जाना जाता है, यानी खारे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। जैसे लैगून, कोलेरू, चिल्का, पुलिकट, सांभर आदि ऐसे झील हैं जो साल्ट वाटर लेक्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर उलर है, डल है, भीमताल है, नैनीताल है आदि ऐसी झीलें हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। ये लेक्स आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होती हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस सेट करने में प्रकृति के द्वारा बनाई गई झीलों का व्यापक स्थान होता है, वहीं पर आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई झील, रिक्रिएशन सेंटर,
स्पॉट, टूरिज्म सेंटर्स को क्रिएट करते हैं, जिस कारण से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए लेक्स फिशरी के लिए, बोटिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने के लिए आदि आदि कामों में इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये झील आर्थिक रूप से और पर्यावरण दोनों ही रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों ही जगहों पर खारे पानी की झील पाई जाती है, जिसमें पूर्वी तट पर चिल्का झील बहुत ही फेमस है। वहीं पर देश के अंदर राजस्थान राज्य में सांभर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आपने आज झील के बारे में देखा, उसके रोल के बारे में देखा। फिर अगली कक्षा में, बहुत बहुत धन्यवाद।